लोकतंत्र में शक्ति की पहचान देश के सांसदों को मिलने वाली सुविधाओं से किया जाता है। आपने देखा होगा कि सांसदों का ऑरा अलग ही लेवल का होता है। आपके लिए महंगाई एक मुद्दा होगी, लेकिन देश के सांसदों को मिलने वाले भत्ते से उस महंगाई की भरपाई वो कर देते हैं। आपको भरना पड़ता है, आपको भरना पड़ता भी होगा घर के बिल, या आपकी मजबूरी है क्योंकि सांसदों को बिल पर भारी छूट मिलती है। अब देश के सांसदों को एक और सुविधा मिलने जा रही है। देश के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार दिल्ली के एम्स में सांसदों के लिए विशेष सुविधा शुरू कर दी गई है। हमारे देश के सांसदों को अब एम्स दिल्ली में इलाज के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा। यानी एम्स ने सांसदों के इलाज के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया है, जिसके तहत देश के 788 सांसदों को एम्स में खास मेडिकल मिलेगी। अब उन्हें देश के आम नागरिकों की तरह एम्स में इलाज पाने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। उन्हें एम्स के बाहर इलाज के लिए हफ्तों तक धूप या बारिश नहीं झेलनी पड़ेगी। ये सांसदों की बात कह रहे हैं हम। और ऐसी सुविधा पाने के बाद यकीनन सांसदों में खुशी की लहर होगी, क्योंकि पक्की बात है इससे पहले तो अस्पताल के बाहर बारिश में भीगते हुए इलाज पाने का इंतजार करना पड़ता रहा होगा। समझ ही रहे होंगे आप। आप सोच रहे होंगे कि यह मजाक क्या है, या फिर हम किसी तरह की और तरह की बातें कर रहे हैं। दरअसल मजाक हमारी ये बातें नहीं है, मजाक देश के आम नागरिकों के साथ हुआ है। मजाक उन गरीब मरीजों के साथ हो रहा है जिन्हें एम्स में इलाज पाने के लिए महीनों तक लाइन लगानी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, परेशानियों से जूझना पड़ता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर एम्स की वो एसओपी है, और इसकी एक कॉपी मेरे पास भी है। हम लगातार आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, जिसका सार है, गरीब मरीज कृपया साइड जाएं, नेता जी इलाज करवाने आ रहे हैं। इसकी पहली लाइन जो है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूं, उसके बाद में बारीकी से इसके बारे में जो मुख्य मुख्य बिंदु है उसका विश्लेषण लगातार आपके बीच में करता रहूंगा। कह रहे हैं नेताजी अब वहां पर आ रहे हैं, इसलिए सबको हटने की जरूरत है, और एम्स ने इस बात का पूरा भरोसा, पूरी तैयारी कर ली है। यहां पे लिखा है जो सब्जेक्ट है, मेडिकल केयर अरेंजमेंट्स फॉर द ऑनरेबल सिटिंग मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन एम्स। और जिस देश के सरकारी अस्पतालों ने मरीजों का भरोसा खो दिया हो, जिस देश का मध्य वर्गीय परिवार बजाय सरकारी अस्पताल के प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए फूंक कर इलाज करवाता हो, उनके चुने हुए सांसदों के लिए एम्स दिल्ली ने इलाज एक्सप्रेस चलाई है, और बकायदा इसके लिए नियम कायदे हैं, और यही नियम कायदों की बात मैं कर रहा था जो मेरे पास है, जिसको हम बार बार दिखा भी रहे थे, और इसी के सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया। सांसदों के इलाज के लिए एम्स की ओर से जारी की गई इस एसओपी की सबसे जो पहली लाइन है वो जो हमने आपको बताया, उस पर आपको फिर से करना चाहिए। इसमें कह रहे हैं कि जो ऑनरेबल सीटिंग मेंबर्स हैं, इसमें उनके लिए जो सांसद हैं, एम्स में क्या तैयारियां की गई है उसके बारे में ये एसओपी जारी की गई है। इस लाइन से ही पूरी एसओपी का मजमून आपको समझ में आ गया होगा। इसमें साफ लिखा है कि देश के माननीय सांसदों को एम्स में खास मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी। इस एसओपी में वैसे 11 पॉइंट्स हैं, लेकिन हम उसके महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वो जरूर बताना चाहते हैं, क्योंकि आपको आज जानने का पूरा हक है कि हम और आप जो टैक्स पे करते हैं उससे हमारे मानों को क्या सुविधा मिल रही है। सांसदों की सुविधा के लिए एक विशेष ड्यूटी ऑफिसर नियुक्त किया, ये इसके एसओपी में लिखा हुआ है, बकायदा इसको इसका जिक्र किया गया है, जो 24x7 यानी कि 24x7 अस्पताल में 24 घंटे सातों दिन अस्पताल में रहेगा, वो किसी भी वक्त सांसदों की सहायता के लिए उपलब्ध रहेगा। इस ड्यूटी ऑफिसर तक पहुंचने के लिए कुछ फोन नंबर्स भी जारी किए गए हैं, सांसद या उनका जो स्टाफ है इन नंबरों पर फोन कर सकता है। एक नंबर जारी किया गया है और उस पर वो फोन कर सकता है उनका स्टाफ, और फोन करके इलाज के लिए डॉक्टर को वो लाइन भी कर सकेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी सुविधाओं में ये छोटे छोटे पॉइंट्स अभी हम आपको बता रहे हैं। ओपीडी सुविधा या स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इलाज के लिए भी सांसदों को विशेष सुविधा मिलने वाली है। इसमें सांसद साहब का पर्सनल स्टाफ बीमारी की जानकारी देगा, और फिर ड्यूटी ऑफिसर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होंगे उनसे उनका इलाज करवाएगा। इमरजेंसी के वक्त भी यही एसओपी लागू रहेगी, यानी ड्यूटी ऑफिसर सारा इंतजाम करके देंगे, सांसद महोदय को लाने का भी इंतजाम किया जाएगा। सांसद बीमारी की जानकारी एम्स के सुपरिटेंडेंट को भी देनी होगी, और जरूरत पड़ने पर
वो भी सारा काम धाम छोड़कर सांसद जी का इलाज करेंगे। ड्यूटी ऑफिसर एक ऐसे कंट्रोल रूम में होगा जहां सांसद महोदय के इलाज से जुड़ी हर सुविधा का इंतजाम किया जाएगा, यानी सांसद के इलाज का वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। सोचिए, ये सुविधाएं दी जा रही है, अच्छी बात है, माननीय है, लेकिन देश के सांसदों को उसमें इलाज के लिए आम नागरिकों की तरह नहीं, माननीयों की तरह ही सम्मान दिया जाएगा। और हमारे माननीय सांसद एम्स के इलाज के लिए जहां पर खड़े होंगे, लाइन वहीं से शुरू मानेंगे, यही फॉर्मूला होगा। वैसे दिल्ली के एम्स में हर दिन हजारों की संख्या में मरीज पहुंचते हैं, और यकीन मानिए, आप किसी भी वक्त एम्स चले जाइए, वहां आपको हर वक्त मरीज और उनके परिजन भटकते हुए नजर आ जाएंगे। एक ऐसे अस्पताल में जहां हर रोज 10,000 से ज्यादा मरीज केवल ओपीडी इलाज के लिए पहुंचते हैं, जहां के डॉक्टर मरीजों को महीना भर का ही नहीं बल्कि साल भर आगे तक की तारीख देते हैं, वहां सांसदों को एक्सप्रेस रफ्तार से इलाज देने की सुविधा, गरीब मरीजों के जख्मों पर नमक छिड़कना नहीं है तो और क्या है। नए नियम के मुताबिक सांसदों को एम्स में कदम भी नहीं रखना पड़ेगा और इलाज का सारा इंतजाम पहले हो जाएगा। देश के मरीज अपने इलाज की आखिरी उम्मीद लेकर एम्स आते हैं, लेकिन उनको मिलती है तारीख। आपको विश्वास ना हो तो हम आपको एक पेपर दिखाना चाहते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर उस पेपर को हम लेकर दिखा रहे हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन आप देख रहे हैं, ये एम्स आने वाले एक मरीज का प्रिस्क्रिप्शन है, वो प्रिस्क्रिप्शन जिसमें डॉक्टर एडवाइस करते हैं। इस पेपर पर सबसे पहले आपको तारीख पर गौर करना चाहिए, गौर कीजिए, 21 नवंबर 2024 तारीख लिखी हुई है। अब इस मरीज को वर्ष 2024 में डॉक्टर से मिलने आना होगा, वर्ष 2024, फिर से बोल रहा हूं, वर्ष 2024, और अभी वर्ष 2022 चल रहा है, यानी डॉक्टर इलाज का रिजल्ट देखने के लिए उनको बुलाता है वर्ष 2024 में, या मरीज का हाल जानने के लिए भी अगर इस आंकड़े को देखें तो शायद कोई भी डॉक्टर इलाज का रिजल्ट देखने या मरीज का हाल जानने के लिए अपने मरीज को 2 साल बाद नहीं बुलाता होगा, लेकिन दिल्ली के एम्स अस्पताल में यह आम बात है। आज 20 अक्टूबर 2022 है, सोचिए अगली तारीख 2 साल बाद की दी गई है। अब यह तारीख क्या मरीज के साथ मजाक नहीं है? इसी प्रिस्क्रिप्शन पर स्टैंप पेपर लगा दिया गया, और यह स्टैंप भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है। उसमें इतनी भीड़ है कि वहां पर लोगों को अन्य अस्पतालों में जाने की सलाह भी दी गई। यह सलाह देने के लिए खास स्टैंप बना ली गई है, मतलब यह है कि डॉक्टर साहब यह सलाह लिखकर देकर परेशान हो चुके हैं, यानी बार बार वो लिख लिख कर ये परेशानी झेल चुके थे, इसलिए प्रशासन ने स्टैंप ही छपवा दिया, का भी झमेला नहीं रहेगा। मरीज आते हैं, फिर डॉक्टर ये स्टैंप लगाकर कहीं और जाने की उनको सलाह दे देते, यानी लिखने के झमेले से भी आप बच गए, डॉक्टर साहब की व्यस्तता है। इस स्टैंप पर लिखा हुआ है, ड्यू टू लॉन्ग वेटिंग टाइम पेशेंट कैन ट्राई इन अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, मतलब मरीज की भीड़ इतनी है कि डॉक्टर अपने मरीजों को दूसरे अस्पतालों में जाने के लिए कह रहे हैं। दरअसल एम्स डॉक्टरों को हालात की सही जानकारी है, उन्हें पता है कि अस्पताल में मरीज आते हैं कि सभी को तुरंत इलाज देना लगभग नामुमकिन है। अगर किसी मरीज को नंबर आने से पहले इलाज दे दिया गया तो मुमकिन है कि जिस मरीज का नंबर था उसके साथ अनहोनी हो जाए, लेकिन इसके बावजूद इसी एम्स में सांसदों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था दी गई है, मतलब जब सांसद महोदय आएंगे तो सारे मरीजों का नंबर चला गया। जिस अस्पताल में हजारों की संख्या में ऐसे मरीज आते हों, इसको 1 साल या 2 साल बाद की डेट मिलती है, उस अस्पताल में सांसदों को मिनटों मेडिकल केयर मिल जाएगी। हमने एम्स आने वाले मरीजों के हालात पर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है, आपको सबसे पहले वो रिपोर्ट देखनी चाहिए, फिर उसके बाद देश के स्वास्थ्य व्यवस्था से हम आपको और भी ज्यादा बाखबर करेंगे, यानी उससे आपको जोड़ेंगे, इस सच्चाई से आपको हम एक बार फिर से चाहेंगे कि आप जुड़िए और देखिए, लेकिन उससे पहले ये जरूर हमारा ये खास विश्लेषण देखिए। इस वक्त कोशिश कर रहा है कि सांसद जो कि शायद आपके टैक्स जिस भरते हैं ना, उस वो जो पैसा होता है
उसकी जो उनको तनख्वाह मिलती है उसी के द्वारा जो लूप बनाया गया है हमारे देश की लोकसभा वाले लोगों के लिए एक प्रोटोकॉल आ गया है, मरीज कतार में है तो जाए, नेताजी आ रहे हैं। जी, क्या सबसे पहले आप? हमारी उम्र साहब 40 चालीस साल। राजधानी दिल्ली के इस एम्स अस्पताल में आप कब से एच कराने के लिए घूम रहे हो बेटा? अभी साहब एक महीना पहले आए थे, तारीख साहब मिल गई 17 तारीख। ठीक, एक महीना की डेट, सबसे फिर आए। पहले आए तो एक महीना का बोला, एक महीने बाद आइएगा। अच्छा, डेट ही एक महीने की बात थी, बिना कुछ बात की क्या भाई? एक महीना बात, एक महीना डेट दी। इसके बाद में फिर डॉक्टर ने कही कि MRI करवाओ, तो अब मैं 3 साल की लिख रही। 3 साल बाद MRI की डेट आई आपके? कागज आप दिखाएंगे क्या? क्या बीमारी वगैरह अभी तो पता कर पाए? अभी तो इलाज की टेस्टिंग की, 3 साल की बात की डेट। टेस्टिंग साहब जो कुछ भाई, लेकिन 3 साल की MRI दिल लिख रही हूँ मैं। ये इस वक्त मैं आपको कागज दिखा रहा हूँ आपको, और 21/4/2025 आपको यहाँ नजर आ जाएगा। यहाँ पर ये 21/4/2025, यानी कि आपको बीमारी क्या है ये पता करने के लिए अभी 2025 का इंतजार करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर उसका इलाज शुरू हो पाए उसकी बात तो शायद बात में ही है। शायद जो हॉस्पिटल डॉक्टर ने लिखा होगा वो तो शायद कहीं रिटायर हो जाए, वो बदल जाए, कुछ हो जाए, कुछ नहीं। अभी तो फिलहाल 2025 लिख दिया है, एम्स अपना एम्स फ्री हो गया है, क्योंकि अभी तो नेताजी है ना, नेताजी भी तो लाइन में लगे हुए हैं। साल का डेगी, 3 साल MIR होगी, जब डॉक्टर को दिखाने जाएंगे 3 साल तो ये बचेगा ही नहीं, ये तो मर जाएगा ही। तो अभी हम 10 दिन से बाहर एम्स बाहर हो रहे हैं मरीज को लेकर के, वो साल देता है बाहर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एम्स के अंदर नहीं रुक सकता है। सुबह श्रीमान जी पूछता हूँ तो लाइन में लगना पड़ता है, जब लगी रहेगी, अब रात में 2 बजे से तो गार्ड बोलता अभी नहीं, सुबह 4 बजे से लाइन लगाता हूँ, तब तक लाइन लगी रही है, जब तक 12 बजे तक अंदर रहता हूँ, जब तक डॉक्टर का टाइम हो जाता है लंच का। दिल्ली एम्स में तो शायद सिर्फ इंतजार का अस्पताल, वेटिंग 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 चल रहा है, बस वेटिंग। चाहे आप कितनी भी बोल दो कि इमरजेंसी है, फिर भी ठीक, आपको एक डेट मिलेगा। अगर ज्यादा इमरजेंसी है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाइए, यहाँ से जाइए आप, बिल्कुल। इसलिए एक डॉक्टर ट्रीटमेंट है कि अगर आपको ज्यादा, मेरे पापा के पास होनी है और मैंने बोला कि इमरजेंसी है, तो ठीक है, अगर आपको लगता है इमरजेंसी है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाइए। हॉस्पिटल कहता है कि नहीं जी हम नहीं कर पाए, नहीं ये भी नहीं बोल रहा, लेकिन आपको डेट पे डेट देगा, फिर आप क्या करोगे? कितने डेट लाख, कितनी लंबी लंबी डेट? कम से कम एक मेरे साथ बंदा था, उस 2017 से उसने लिया था यूनियन, अभी तक उसको डेट नहीं मिली है, 22 चल रहा है, 17 से इंतजार कर रहा है। हमारा इलाज ही नहीं हो रहा था, कह रहे नहीं अभी कल करेंगे, परसों करेंगे, हम साहब बहुत तकलीफ में है सर, कर ही नहीं रहे। उन्होंने डेट दे देते, कहते मुकदमा दे दी, डेट दे देते कि अगली डेट को आना, डेट इलाज ही नहीं देते, डेट दे देते हैं, आज आप हम रात में रुकेंगे, फिर मान लो डेट दे देंगे, त्योहार का सब कुछ, मतलब कुछ भी नहीं, आप नहीं साहब, आयुष्मान कार्ड भी है, कहते ये चलेगा नहीं, ये कैंसर है, कैंसर सर, अब इलाज नहीं कर रही। हमने कहा आयुष्मान कार्ड लगा दो, कहते जब आपातकालीन, जब मरने की नौबत आएगी तब ये लगेगा कार्ड। शाम होते ही सिक्योरिटी गार्ड डरते हैं भाई, हमें रात को सोने देते चैन से, बोले कुछ नहीं बाहर जाइए, आप निकल जाइए यहाँ से। 7 महीने से इलाज के लिए आप कर रहे हैं, क्या किस चीज़ सर? लगातार हम बोलते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर लोग भी सुन नहीं पा रहे हैं सर। यहाँ पे हमें 7 महीने हो चुके हैं, जो कि कीमो लगाया जा रहा है, कीमोथेरेपी हो रही है, तो सर कितनी कीमोथेरेपी करवाएंगे? अगर हमारी जगह कोई बड़ा सेठ आदमी होता तो उसका ऑपरेशन हो गया होता, कि सर हमारे 7 महीने पैसा नहीं है हमारे पास, हम कहाँ तक कहाँ ले जाए? क्या कह रहा डॉक्टर, ऑपरेशन करना क्या? नहीं, ऑपरेशन नहीं करने को बोला है, अभी बोला कि अभी कीमो चलेगा। क्या हुआ, क्या डॉक्टर, क्या बीमारी थी? कानों की हड्डियाँ गल रही थी, मुझे बोले कि 2024 तक डेट। कानों की हड्डियाँ गल रही है और उन्होंने कहा है कि अब 2024 में आना, जब तक इनका क्या होगा? फरवरी में एक चेकअप की डेट मिली है, उसके बाद ऑपरेशन की 11/2024 में डेट मिली। 2024 देखिए यहाँ पर, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का, आप देख लीजिए, ये 21/11/2024 डेट लिखी हुई है यहाँ पर। ड्यू टू लॉन्ग वेटिंग टाइम पेशेंट कैन ट्राई इन अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ड्यू टू लॉन्ग वेटिंग टाइम
एम्स खुद कह रहा है कि देखिए लॉन्ग वेटिंग टाइम है, आप समझ जाइए यहाँ पर लॉन्ग वेटिंग टाइम की जो स्टैंप लगी हुई है वो साफ तौर पे कह रही है कि लॉन्ग वेटिंग टाइम इसलिए है क्योंकि शायद जो हमारे सांसद जी है, नेता जी है, वो बीमार है, वो आएंगे तो उनके लिए बेड खाली चाहिए होगा, उनको आगे करना होगा, तो ये लॉन्ग वेटिंग टाइम शायद एम्स के इतिहास में आगे आने वाले 50-60 साल में ये लॉन्ग वेटिंग टाइम ही बना रहेगा, किसी का भी पूरा वेटिंग टाइम खत्म ही नहीं होएगा, ये वेटिंग लिस्ट हमेशा रहेगी। यहाँ मुझे रेफर किया गया था, रेफर किया गया, लेकिन सर इसकी डेट देखिए, सीटी स्कैन की डेट मुझे इतनी लंबी दी गई है। क्या बीमारी है आपको? सर भैया को मुझे कैंसर है। कैंसर है भैया को, और आपको सीधा आए और आपको कहा कि अब सीटी स्कैन करवाइए, और सीटी स्कैन की जो आपको तारीख दी गई 5/4/2023, ये आपको यहाँ पर डेट दिख जाएगी 5/4/2023, इनके भाई को कैंसर है, मरीज को तो पता ही नहीं चल रहा है अभी तो, इलाज से पहले तो ये टेस्टिंग के टाइम में ही मार देंगे। यही अस्पताल वो अस्पताल है जिसने कल एक लेटर निकाला है कि अब सांसद जी आएंगे तो उनके लिए 24 घंटे की सुविधा रहेगी, एक डॉक्टर हमेशा रहेगा, तो वही सांसद जिनको हम वोट देके जिताते हैं, हमारा टैक्स कटता है, उनको तनख्वाह मिलती है, सांसद जी आएंगे तो वो सांसद जी के लिए ही है वो सुविधा, कतार में नहीं लगे ना, कतार आपका और मेरा बेड ही तो शायद आज उनके पास जाएगा अगर इलाज। बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, सांसद है ना, इसलिए वो सांसद है, ये आम जनता है, मर जाएगी तो क्या मतलब है। ये हालात दिल्ली के एम्स अस्पताल में है जहाँ हजारों लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, कल भी पहुँचेंगे, परसों ही पहुँचेंगे, लेकिन एक स्टैंप साथ में लगा दी जा रही है। एम्स अस्पताल की नहीं, ये दिल्ली के सभी अस्पतालों के हाल, हर जगह आपको यही धक्के मिल रहे हैं, तो देखिए सभी अस्पताल हो गया, मानिए देखिए लोग हर जगह धक्के खाए हुए, लेकिन लेटर निकल रहे हैं जी आप आएंगे नेताजी तो आपको बिना कतार के सीधा अंदर इलाज मिल जाएगा, शायद आप जिसको कैंसर है ना उसका आपको ना मिल रहा हो इस चीज को सुनिश्चित कर लीजिएगा। वरुण भसी, जी मीडिया। ये सच्चाई है, ये उस एम्स की सच्चाई है जहां पर इलाज करवाने के लिए मरीज पहुंचते हैं और इस उम्मीद से कि शायद वहां पे वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो आम है इसलिए तकलीफ में है और दिक्कतों का सामना करके भी वो इलाज करवाना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था क्या हो रही है? व्यवस्था ये हो रही है चूंकि आप आम है तो इसका एहसास आपको रहे, इसलिए आप कतार में रहिए, और कतार की शुरुआत वहां से होगी जहां पर माननीय आएंगे, इसलिए माननीयों के लिए एसओपी बना दी गई है। अब इस एसओपी पे हमने प्रतिक्रिया भी जानने की कोशिश की एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर से, आखिर उनकी प्रतिक्रिया भी हमें जाननी थी कि इस पर वो क्या कहते हैं, तो एक बार हम आपको वो प्रतिक्रिया भी सुनवा देते हैं। एम्स एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा निकाले गए एक पत्र में जिसमें उन्होंने माननीय हमारे जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए एक प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश किया है, हम लोग उसके खिलाफ हैं, हम लोग उसकी आलोचना करते हैं। फोडा के हिसाब से हमेशा हमने जो हेल्थ केयर में एक प्रिविलेंट वीआईपी कल्चर है उसके खिलाफ आवाज उठाई है। हम लोग के हिसाब से अगर कोई मरीज वीआईपी है तो वो है जो ज्यादा बीमार है या बेहद बीमार है या जिसको तुरंत किसी चिकित्सा की या ट्रीटमेंट की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा निकाले गए इस पत्र से एक ऐसा एक सेंटिमेंट पूरे देश में जाता है जिसको, क्योंकि एम्स कह रहा है तो बाकी लोग भी पूरी तरीके से उसको फॉलो करेंगे, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, और हो सकता है कि इस चक्कर में आम जनता जो कि अस्पतालों के बाहर ही खड़ी रह जाएगी, जिनकी सर्जरीज की डेट आज से 2-2 साल बाद की है। और हमारी भी परेशानी इसी वीवीआईपी कल्चर से है कि एम्स में जहां इतने लंबे चौड़े कतार को देखने के बावजूद भी उनके तकलीफों का निदान होने में सालों बीत जाते हैं, वहां पर यह खास की व्यवस्था क्यों की जा रही है? वैसे देश के सरकारी अस्पतालों की हालात किसी से भी छिपे हुए नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश का शायद ही ऐसा कोई सांसद होगा जो अपने संसदीय क्षेत्र के अस्पताल की कमियां गिनवाए। उनकी नजर में उनका संसदीय क्षेत्र जो है बहुत बेहतरीन है और वहां पे जितने भी अस्पताल या मेडिकल सुविधा है वो नंबर वन है। सभी यही मानते हैं कि उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों को शानदार मेडिकल सुविधाएं मिल रही है, लेकिन क्या आपने, ये सवाल आपसे है, लेकिन क्या आपने कभी देखा या सुना है कि आपके सांसद महोदय ने अपने संसदीय क्षेत्र के सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवाया हो? ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि सांसद या उनके परिवार के सदस्य अपना इलाज अपने राज्य के किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल या दिल्ली के किसी बड़े प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में करवाते हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि हमारे देश के सांसदों को अपने ही संसदीय क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों पर या वहां मिल रही मेडिकल सुविधाओं पर भरोसा नहीं है?
क्या ये माना जाए कि सांसद अपने क्षेत्र के लोगों के वोट तो चाहते हैं लेकिन उनको मिल रही सुविधाओं का मजा नहीं लेना चाहते? इन सवालों के जवाब हर क्षेत्र के लोगों को अपने इलाके के सांसद महोदय से जरूर पूछना चाहिए और अपने इलाके के सरकारी अस्पताल के हालात पर सांसद महोदय से जवाब भी लेनी चाहिए। और ये इसलिए जरूरी है कि सरकारी अस्पतालों में सबसे ज्यादा इलाज गरीब और ग्रामीण इलाकों के लोग करवाते हैं, क्योंकि देश का मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय परिवार सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर भरोसा नहीं करता है। इसका एक उदाहरण NSSO का एक डेटा भी देता है। देश के लगभग 42.5% लोग प्राइवेट डॉक्टर या प्राइवेट क्लिनिक पर इलाज करवाते हैं, लेकिन 30.1% लोग ही सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जाते हैं। वहीं पर 23.3% लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं। मतलब यह है कि देश में प्राइवेट अस्पतालों में इलाज को ही भरोसेमंद माना जाता है और जो लोग प्राइवेट अस्पतालों का खर्च नहीं उठा सकते वही सरकारी अस्पताल में जाते हैं। और हमने डीएनए में ही ये बताया था आपको कि प्राइवेट अस्पताल में भी किस तरह से मनमानी होती है, धांधली होती है और किस तरह से उनके लिए दरअसल बीमारी एक कारोबार बन चुका है। इस पर भी हमने पूरी रिपोर्ट आपको डीएनए में दिखाया था। लेकिन अब हम आपको देश में सरकारी जिला अस्पतालों की संख्या भी बताने जा रहे हैं और ये आंकड़े आपको आज जरूर जानने चाहिए ताकि आपको हमारे देश में अस्पतालों की स्थिति का अंदाजा लग सके। अगस्त 2022 में देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में देश के कुल राज्यों के जिला अस्पतालों की खास जानकारी दी थी और केंद्र सरकार के मुताबिक देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले में जिला अस्पताल नहीं है। हम फिर से कह रहे हैं जिला अस्पताल नहीं है, हम वो आंकड़ा बता रहे हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे तेलंगाना में 33 जिले हैं लेकिन वहां केवल 5 जिलों में ही जिला अस्पताल है, 33 जिलों में 5 जिलों में ही जिला अस्पताल है। इसी तरह असम के 33 जिलों में से केवल 24 में ही जिला अस्पताल है, तमिलनाडु के 38 जिलों में से केवल 20 में ही जिला अस्पताल है और महाराष्ट्र के 36 में से केवल 23 जिलों में ही जिला अस्पताल है। इसी तरह गुजरात में 33 में से 20 जिलों में ही जिला अस्पताल है और कर्नाटक में 30 जिले हैं लेकिन केवल 22 में ही जिला अस्पताल है। मतलब ये कि देश के ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां के हर जिले में लोगों को अस्पताल की सुविधा नहीं मिल पा रही है। ये सही है कि देश में अस्पतालों की कमी है लेकिन देश के कई राज्य ऐसे भी हैं जहां जिलों की संख्या के मुकाबले अस्पतालों की संख्या कहीं ज्यादा है। यह अच्छी खबर है, इसलिए यह भी आपको समझनी चाहिए और जाननी चाहिए। जैसे केरल में 14 जिले हैं लेकिन वहां कुल 47 जिला अस्पताल है, 14 जिलों में 47 जिला अस्पताल केरल में है। और इसी तरह दिल्ली में 11 जिले हैं लेकिन यहां पर 37 जिला अस्पताल है। ठीक इसी तरह यूपी में 75 जिले हैं लेकिन यहां पर 168 जिला अस्पताल है। इस क्रम में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मिजोरम भी ऐसे राज्य हैं जहां जिलों के मुकाबले अस्पतालों की संख्या ज्यादा है। हम आपको यहां केवल जिला अस्पतालों की संख्या बता रहे हैं। देश अभी जिला अस्पतालों की ही कमी झेल रहा है, अस्पतालों की सुविधाओं पर तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी कई जगह उनके हालात बहुत खराब है। हमने जिला अस्पताल का सिर्फ आपको आंकड़ा बताया है, उसकी स्थिति नहीं। वैसे भारत में अस्पतालों की व्यवस्था पूरी दुनिया जानती है और देश में अस्पतालों की कमी तो है ही, अस्पतालों में बेड की भी बहुत ज्यादा कमी है। मेडिकल सुविधाओं की स्थिति कोरोना महामारी के दौरान हम सबने देखी भी है। WHO भी दावा करता है और उनके मुताबिक भारत में 1000 लोगों पर केवल आधा सरकारी बेड है। फिर से कह रहा हूं, 1000 लोग उस पर सिर्फ और सिर्फ आधा सरकारी बेड, यानी एक बेड का आधा हिस्सा। मतलब यह कि अगर 2000 मरीज एक साथ आ जाए तो एक बेड पर 2000 मरीजों को लिटाना पड़ेगा। ऐसी काल्पनिक स्थिति को आपको हम एनिमेशन के जरिए भी दिखा रहे हैं और समझने की कोशिश कीजिए कि बेड की कितनी कमी है अस्पतालों में। यानी अस्पतालों की कमी और अस्पतालों में बेड की कमी, ये एक ऐसी राष्ट्रीय समस्या है जो पिछले 70 सालों से चली आ रही है लेकिन इसको लेकर कभी गंभीर प्रयास नहीं किए गए। जो भी ये कहता है कि अस्पतालों में सुधार के प्रयास किए गए हैं, उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र के जिला अस्पतालों में इलाज की सुविधा का लाभ उठाना चाहिए, हमें तो ये लगता है, तब शायद उनको भी सच्चाई से वाकिफ होने में देर नहीं लगेगी।
दिल्ली एम्स में ट्रीटमेंट के लिए सांसदों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने की यह जद्दोजहद ऐसे वक्त में हो रही है जब देश में आम जनता को फ्रीबीज देने पर बहस छिड़ी हुई है। और इस बहस को हवा देने वालों में वो सांसद भी हैं जिन्हें सांसद होने के नाते मुफ्त की रेवड़ियां सबसे ज्यादा बांटी जाती है। लेकिन कोई नेता, कोई पार्टी, कोई सरकार मुफ्त की रेवड़ियां खाने वाले इन सांसदों पर उंगली तक नहीं उठाती है। हमारे देश में सालाना प्रति व्यक्ति आय अगर देखें तो वो करीब करीब 91,000 रुपए है, लेकिन जनता को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने पर आंखें टेढ़ी कर लेने वाले सांसदों को इससे ज्यादा पैसे तो अलग अलग भत्तों और सुविधाओं के रूप में मिल जाते हैं। अब हम आपको सांसदों को मिलने वाली इन मुफ्त की रेवड़ियों की कीमत भी बताना चाहते हैं। वर्ष 2018 में सूचना के अधिकार के जरिए लोकसभा सचिवालय ने बताया था कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2017-18 के बीच 4 साल के दौरान लोकसभा के सदस्यों के वेतन और भत्तों की अदायगी के लिए 1,554 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए थे, जबकि राज्यसभा सदस्यों को वेतन भत्तों के रूप में 443 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इस लिहाज से देखें तो इन 4 वर्षों के दौरान हर लोकसभा सांसद को प्रत्येक वर्ष औसतन 71,29,000 रुपए का वेतन भत्ता मिला है, जबकि राज्यसभा सांसद को हर साल औसतन 44,33,000 रुपए की रकम अदा की गई है। यानी सांसदों को मिलने वाले वेतन और भत्ते का खर्च टैक्सपेयर्स की गाढ़ी कमाई से भरा जाता है। और मजे की बात तो देखिए यह है कि सांसद अपने वेतन और भत्ते खुद तय करते हैं। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि हमारे सांसदों ने अपने लिए जो भत्ते तय किए हुए हैं उसकी रकम उनकी सैलरी से भी ज्यादा होती है। अब जरा एक सांसद के 1 महीने की सैलरी में शामिल भत्ते को ही गिनते चलिए, हम लगातार वो आपको गिनवाते हैं। फिक्स सैलरी होती है 1,00,000 रुपए और उसके अलावा कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस यानी कि निर्वाचन क्षेत्र भत्ता जो उनको मिलता है वो होता है 70,000 रुपए। ऑफिस अलाउंस भी मिलता है, उसके लिए उनको 60,000 रुपए मिलते हैं, यानी टोटल फिक्स सैलरी पार्ट हुआ 2,30,000 रुपए। हमारे देश में सांसदों की फिक्स सैलरी से ज्यादा तो भत्ते ही मिल जाते हैं। और सबसे खास बात यह भी है कि टैक्स पेयर से भरी जाने वाली सांसदों की सैलरी पर कोई टैक्स भी नहीं लगता है, और मुफ्त की रेवड़ियां मिलती है वो अलग। कई सुविधाएं तो ऐसी है जो इनके परिवार के लोगों के लिए भी होती है, ये भी आपको आज गिनना चाहिए। ये भी हम गिनवा देते हैं कि इनको और इनके परिवारों को क्या मिलता है। सांसद और वाइफ या फिर पार्टनर के लिए 34 हवाई सफर फ्री होता है। स्मार्ट क्लास जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास डिब्बे हैं, उनमें अनलिमिटेड ट्रेन यात्रा ये कर सकते हैं, वो भी फ्री है। संसद सत्र के दौरान निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली तक सालाना 8 हवाई सफर भी उनके लिए फ्री है। 50,000 यूनिट बिजली भी फ्री है, 1,50,000 फोन कॉल्स भी फ्री है, और सालाना 40,00,000 लीटर पानी भी उनके लिए फ्री है। रहने के लिए सरकारी बंगला, वो भी मेंटेनेंस फ्री। हर साल नए फर्नीचर के लिए 1,00,000 रुपए। देशभर में सभी हाईवे पर टोल प्लाजा भी फ्री। इन सब के अलावा जो बचता है वो है सिक्योरिटी गार्ड्स, जिंदगी भर की पेंशन, जीवन बीमा और सरकारी गाड़ी जो सरकार की तरफ से सांसद को मुफ्त दी जाती है। यानी सांसदों को सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, वो भी फ्री में, और फिर बाकी की कसर हमारे देश का सिस्टम पूरी तरह से उनके लिए कर देता है। दिल्ली का एम्स, जिसके बाहर आम जनता अपनी चप्पलें घिसती रह जाती है और एंट्री नहीं मिलती है, उस एम्स अस्पताल में सांसदों को अपना ट्रीटमेंट करवाना है, वो भी पूरे वीवीआईपी ट्रीटमेंट के साथ। और फिर यही सांसद आम जनता को मिलने वाली मुफ्त सुविधाओं का विरोध करते हैं और कहते हैं कि आम जनता को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का कल्चर खत्म होना चाहिए। आखिर हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है या नहीं, अब आपको तय करना है।